वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही और जो शॉर्ट्स वीडियो थी वही डाल रही हूँ। एंड कल एक ब्लॉग गया था मेरा फ्राइडे में, तो वो काफ़ी पुराना था, मतलब काफ़ी तो नहीं बट जो इंडिपेंडेंस डे था ना उससे पहले का था ब्लॉग, तो मैंने कल एडिट किया बड़ी मुश्किल से तब डाला। वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे फीवर आया था, मैंने सोचा कि एक दो दिन बाद ठीक हो जाऊंगी, बट 3 से 4 दिन लग गए मुझे और इतनी वीकनेस हो गई है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, और काम भी नहीं हो पा रहा था, खाना भी हमारा बाहर से ही आया है 2-4 दिन तो, और बहुत ज़्यादा बुखार आ गया मुझे और तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने मोबाइल तक नहीं उठाया, कोई नहीं नहीं कोई ब्लॉग नहीं कुछ एडिट किया, तो मैंने सोचा कि यार इतना लंबा गैप लेना भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कल डाला था वो ब्लॉग और आप ज़रूर बताना कि आपको वो कैसा लगा। एंड कुछ गुड न्यूज़ भी है मैंने आपको उसमें, तो आप देख लेना। देखो मेरी बिटिया बैठी है और मैं भी अभी नहा कर आई हूँ, और सर्दी से बुखार चढ़ा था मुझे बहुत तेज, क्योंकि ऐसा था ना हमारा खुला घर है, आपको पता है बाहर की तरफ बहुत खुला है, तो जो बारिश बारिश की बूंदें डल जाती है ना मुझ पर, तो थोड़ा काम करते वक्त बारिश की बूंदें डल गई, उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया एंड फिर कोल्ड हो गया, उसके बाद बुखार हो गया मुझे। तो फिर मम्मी आई थी मेरी कल, देख लीजिए सो रही है मम्मी अभी, अभी लेट गई हैं ऐसे ही, तो काम तो कर लिया मम्मी ने, मम्मी ने किया है काम। और आज सैटरडे है और संडे है, कल रक्षाबंधन है, तो मम्मी भी अब चली जाएंगी थोड़ा, अब तो मेरे को फ़ायदा है, आज ठीक हूँ मैं, मतलब अब मेरे को बुखार नहीं चढ़ा, कल दिन में था बट रात को नहीं चढ़ा, अब मैं ठीक हूँ एकदम से। और अभी मैं दवाई लेने जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूँ एंड आपसे बात कर लूँ, बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई नहीं कुछ, तो ब्लॉगिंग नहीं की तो बात कहाँ से करती मैं आपसे। परिन्या हेलो बोलो। ये मैं अपने बेटे को फ़ोन नहीं देती बिल्कुल भी चलाने के लिए, बट वो काम करते हैं इसमें ऑनलाइन एंड जो भी होमवर्क आता है वो करते हैं, तो ये अपनी नानी का चला रहे हैं, नानी आई हुई है तो नानी आती है तो चला लेते हैं उनका फ़ोन। हाँ तो नानी आती है तो तब ले लेते हैं फ़ोन, बट हम फ़ोन नहीं देते। और मैं इस ब्लॉग में आपको एक चीज़ बताऊँगी, मतलब दिखाऊँगी सॉरी, तो वो चीज़ है कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट मंगाए थे, तो एक गिफ्ट तो अभी आया नहीं है, उसके लिए समय है, पता नहीं लेट हो गया है कुछ, मीशो से मंगाया था मैंने गिफ्ट, और एक मैं आपको दिखा दूँगी, और बहुत काम की चीज़ है वो, और उन्हें पसंद आई तो मैं आपको दिखाऊँगी कुछ देर में। और अब तो मैं थोड़ी देर में दवाई लेने जाऊँगी, टाइम हो रहा है दवाई लाने का। हाँ बेटा अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये कह रही है मुझे अभी दिला दो, मैं भी गेम खेलूंगी। तो मैं मम्मी ने खाना पीना बना लिया, सारी सफाई कर दी, मैं भी अभी नहा कर बैठी थी, मैंने सोचा फिर आपसे बात कर लूं, वरना 2 दिन से तो ऐसा फेस हो रहा था उतरा उतरा, बात करने की इच्छा ही नहीं हुई, नहीं कुछ ब्लॉगिंग करने की इच्छा हुई, तो फिर इसलिए मैं तो मैं दवाई ले आऊँगी, अब फिर मैं आपको थोड़ी देर में बात करूँगी बाद में। ओके मिलती हूँ आपसे। आज मैं भी आज फीस से लगा रही हूँ मेहंदी में। हाँ कल रक्षाबंधन है ना इसलिए। कैसा डिजाइन बना रही है आपकी नानी? इनकी नानी रचा रही है मेहंदी इनकी है। पन्नो पन्नो मेहंदी लगवा रही हो? चलो अच्छी बात है। फ्रेंड्स मैं दवाई तो लेकर आ गई थी, फिर खाना वाना खाया, ऐसे थोड़ी सी रेस्ट कर रही थी। परिन्या है मेहंदी लगवा रही है अपनी नानी से, नानी जाने वाली है थोड़ी देर में चली जाएंगी वो घर, तो परिन्या मेहंदी लगवा रही है, देख लीजिए। और मेरी तबीयत ठीक है एकदम अब, और दवाई मैं लेकर आ गई हूँ, और तो दवाई खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि कल त्यौहार है, तो एक हाथ पर नानी लगा देंगे इसकी, एक हाथ पर मैं लगा दूंगी परिन्या की, और मैं अपने देखूंगी मेरी तबीयत करी लगाने की तो मैं लगा लूंगी, वरना कोई बात नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा ना, मन नहीं कर रहा कुछ करने का इसलिए।
पन्नों की मेहंदी लग गई। अरे वाह, नानी ने लगा दी मेहंदी। दिखाओ इधर, उधर ऐसे दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, पीछे भी लगाइए ना ऐसे। वाओ, चलो अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सो गई थी और कुछ देर पहले उठी हूँ, तो मैं आपको ये दिखाने वाली थी आज इस ब्लॉग में। ये देखिए, ये टेबल मंगाई है मैंने मीशो से और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना नहीं वहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ खड़े होकर बिल बनाते थे यहाँ पर स्लिप पर, तो वो थोड़े थक जाते थे, ये बिल बनाने पड़ते हैं बहुत सारे, क्योंकि सबका सामान, क्योंकि हमारा तो होल सेलिंग का काम है आरओ का, तो सबका सामान जाता है तो काफ़ी समय लगता है। तो अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर लो लग रही है एंड यहाँ पर ये चटाई टाइप की बेच रही है, तो इस पर बैठकर अच्छे से यहाँ बिल बना लेते हैं। ये कैलकुलेटर है और यहाँ चाय वगैरह रखने की जगह है एंड यहाँ पर आप पेन वगैरह जैसे रख सकते हो, ये थोड़ी जगह है यहाँ पर, और मुझे सही से नहीं पता है कि किस चीज़ के लिए जगह है। ये निकल भी जाती हैं एंड ये भी निकल जाता है, तो ये बहुत अच्छा टेबल लगा मुझे। मैंने मीशो पर देखा था तो मैंने सोचा इनके लिए मंगा लूँ मैं, तो मैंने उनके लिए मंगाया है। और मेरा बेटा भी पढ़ाई कर लेता है इस पर एंड उन्हें बिल बनाने होते हैं तो वो इसी पर बना लेते हैं बैठ कर आराम से। और मेरी आवाज़ कुछ ऐसी हो रही है, आपको पता है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो बस मैं आपको यही बताने वाली थी इस ब्लॉग में। और देखो मेरी चाय रखी है यहाँ पर, क्योंकि शाम का वक्त था, मम्मी ने चाय बना दी। अभी मम्मी यहीं पर हैं, जाने वाली हैं, हमारे तो पास में ही है घर, तो जाएंगी मम्मी थोड़ी देर में। तो देख सकते हो आप, ऐसे ग्लास आ जाएगा यहाँ पर, पानी रखिए, चाय रखिए, जो मर्जी रखिए आप, और बिल बनाते रखिए। और काफ़ी स्पेस है यहाँ, आप लैपटॉप भी रख कर चला सकते हो, आसानी से काम कर सकते हो लैपटॉप पर। तो मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट लगा और मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगा लिया और उन्हें भी बहुत प्यारा लगा। और एक चीज़ और मंगाने वाली थी, एक चीज़ और बाकी है, एक गिफ्ट और था, मतलब दो गिफ्ट थे, तो एक गिफ्ट था वो बाकी है, अभी आया नहीं है, तब आएगा तो तब दूंगी। पता नहीं, वो थोड़ा लेट हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना बुकिंग करने में, तो इसलिए लेट हो जाता है। और वैसे मेरी तबीयत तो ठीक है एकदम, अभी उठी हूँ ना इसलिए आवाज़ अच्छी लग रही है। लेट गई थी मैं, सो गई थी दवाई खाकर और फिर मुझे याद नहीं रहा, और कुछ देर पहले उठी हूँ और चाय दी है मम्मी ने बनाकर, तो चाय पी रही हूँ यहाँ पर। और मैं मेहंदी के लिए देखूँगी अपने लिए, कितना लगाती हूँ, एक हाथ लगाती हूँ या फिर दूसरा लगवाती हूँ किसी से, तो वो मैं बाद में देखूँगी। एंड फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं लास्ट करती हूँ, मैं आपको यही दिखाने वाली थी, गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया। एंड ये लगता है मुझे शायद लकड़ी का है, ये कुछ टेबल लकड़ी और प्लास्टिक कुछ मिक्स है इसमें, और बहुत प्यारा टेबल लगाई हूँ मुझे, अच्छे से काम कर लेते हैं, मुझे बड़ा पसंद आया। तो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप जरूर बताना मेरे छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, लाइक देना हमारे वीडियो को, तो फिर कुछ करें। बाय।